मैरिड लाइफ की बात करें, वैसे भी जितनी अच्छी आपकी सेहत होती है उतना ज्यादा आप लोगों से प्यार कर सकते हैं, लोग आपसे प्यार कर सकते हैं, आपकी अपीयरेंस का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। अच्छा, ये भी कहते हैं कि वाकई में, क्योंकि कहते हैं कि 80% आप जो खाते हैं आप वो आप होते हैं, वैसे ही दिखते हैं, तो मुझे बताओ कि एंटी एजिंग या जवान लगने में खाने का, जवान लगने में खाने का बहुत बड़ा रोल है। वो लोग जो कि ज्यादा मैदे का, डीप फ्राइड आइटम्स का, मिल्की प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सफेद चीनी का, हाँ, क्योंकि पहली बात तो ये कि डिहाइड्रेट हो जाते हैं, दूसरी बात ये कि उनको एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिलते। अच्छा आयशा, हमारे घर में तो सिर्फ ब्राउन ब्रेड ही आती है, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस भी हम लोग ब्राउन यूज करते हैं, चीनी भी ब्राउन यूज करते हैं, तो वो तो अंडा भी ब्राउन, अंडा भी ब्राउन, बिल्कुल देसी अंडा। अच्छा आज अनुषेप, अब क्योंकि सहरी जो है वो बनानी स्टार्ट करनी है, और सहरी में पराठे तो एक दिन साइड पे रख के, जुम्मे के दिन, मैं तो डिसाइड किया कि जुम्मे का जो रोजा होगा उसमें पराठे वगैरह। अच्छा देखो, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, स्पिनच एंड चीज ऑमलेट मैं बना रही हूँ, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि देखो पहली सहरी में उठना दूसरी तीसरी में थोड़ा सा मुश्किल होता है, आदत नहीं डेवलप होती है, तो आप क्या करें, रात के टाइम इस तरह से दो अंडे आपने ले लिए, ठीक है, साथ में इसमें आपने क्रीम चीज ऐड करनी है, और ये आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, सुबह सुबह आंखें मलते हुए जब आप उठेंगे तो आपको सिर्फ इसे पकने के लिए रखना ही वाली थी कि जिस तरीके से तुमने सब कुछ तैयार करके रखा है, अगर हम ये रात में करके सो जाए तो सुबह हमारे लिए आसानी हो, इसको बस ढक दें किसी कपड़े से, बिल्कुल ढकुल ढक दें। और एक और चीज कि अगर आपको टमाटर बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, मगर अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं पसंद बेशक ऐड ना करें, टमाटर एक ऐसी चीज है जिससे इसका खराब होने का थोड़ा सा चांस हो जाएगा, बेशक आप टमाटर ऐड ना करें, और टमाटर या तो फिर उसी वक्त ताजा ताजा निकाल के उसी वक्त कर लें, फ्रिज में काट सकते हैं, फ्रिज में काट के अलग से रख सकते हैं, एब्सोल्युटली। अच्छा यहाँ पे क्रीम चीज हमने ऐड कर दी, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे बटर, ये हम खाने का चमचा ऐड करेंगे, सही है, और ये कच्ची पालक है जिसको हमने चॉप करके रखा हुआ है, ये हम ऐड कर देंगे इसमें हाफ कप के बराबर। अच्छा, इतना, ये तो बड़ा हेल्दी सा बन रहा है ना, बहुत हेल्दी। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें दूध भी ऐड करते हैं, मैं करती हूँ, मगर क्योंकि क्रीम चीज हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं और इसमें एक और किस्म की हम चीज ऐड करेंगे, इसलिए हम इसमें दूध ऐड नहीं करेंगे, चीज ही चीज है इसमें, साथ में चॉप्ड टमाटर हम इसमें कर रहे हैं ऐड, ठीक है, इससे क्या होगा कि ये ड्राई ड्राई बोरिंग बोरिंग सा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। यहाँ पे ये हमने एक बहुत ही फ्लेवरफुल सा चीज से भरा हुआ एक मिक्सचर तैयार कर लिया, इसमें काली मिर्चों का पाउडर हम ऐड करेंगे, तो और अगर फ्रेश कूट के अगर आप ऐड कर सकें तो क्या ही बात है, और भी बेहतर। एक और भी आ गई आपकी आयशा, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आयशा बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और आयशा थैंक यू, ग्रेट जॉब, मिस्टर शरीफ बड़ी परेशान है क्योंकि मिस्टर शरीफ अब आ गए हैं, वो मिडल ईस्ट से पाकिस्तान आ गए, रमजान हमारे साथ होंगे, मेरे साथ ही क्या टिप देंगी आप? अच्छी बात है कि मिस्टर शरीफ के साथ रमजान गुजारेंगी ना, ये भी सही है। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है अनुषे, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं रख सकते हैं, कि रोजा रखकर सिर्फ सोना और बस ये हाजिर का रहना ये रोजे का फर्ज नहीं है। मेरे ख्याल है आपको एक्सरसाइज सबसे पहले तो दीनी सारे काम आपको, नमाज सारी आपको लेके चलनी है, आपका मेन मकसद होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, अल्लाह ताला करने के लिए दुआएं मांगे। दूसरा ये कि बहुत ज्यादा फ्राइड आइटम्स अपने दस्तरखान पे ना रखें, जैसे आयुष ने कहा हेल्दी चीजें, फ्रूट सैलेड है, वेजिटेबल सैलेड है, ड्रिंक्स है, और अगर आप अफ्तार ज्यादा हैवी कर रहे हैं तो डिनर बहुत लाइट रखें, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और दूसरा एक और बात, एक्सरसाइज में मैं बात करना चाहूंगी कि अगर आप पूरे दिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अफ्तार के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद वॉक करने जा सकते हैं, बिल्कुल। मेरे ख्याल से अब रात में हम देर से ही सोया करेंगे, ऐसी कुछ रूटीन रहेगी कि बेशक इफ्तारी के एक डेढ़ घंटे बाद आप वॉक कर लें अच्छी खासी, करना चाहे तो एक्सरसाइज उस वक्त भी कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, बहुत अनुषा, इफ्तारी के बाद लोग जो होते हैं ना बड़े वो हो जाते हैं ना, लेजी से कि सोना है, ये करना है, अरे उसी वक्त तो वजन गेन होता है। इफ्तारी के बाद बस खुशबू आ रही है, मक्खन एन एग, यस, ऑमलेट, स्पिनच एंड ऑब्वियसली ऑमलेट, स्पिनच एंड चीज, बिल्कुल चीज ऑमलेट। अच्छा पालक और चीज का कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग इसलिए भी क्योंकि चीज से आपको मिलती है कैल्शियम और पालक से आपको मिलता है आयरन,
इसी और ये कॉम्बिनेशन हेल्थ के रीजन से भी पूरी दुनिया में इसीलिए फेमस है कि दोनों की अब्सॉर्प्शन में आसानी हो जाती है। पालक को हम इतनी ज्यादा अहमियत देते नहीं है जितनी देनी चाहिए, और छोटे जब हम होते थे तो फायदा से और बाकी लगता था कि हम अगर पालक खाएंगे तो ताकतवर हो जाएंगे। अच्छा एक और भी बात, पालक पनीर होता है इसीलिए मेरे ख्याल है वो डिश इतनी ज्यादा फेमस है ना पालक। और अगर एक दफा आदत हो जाए तो पालक के साथ हर चीज जब बनती है तो अच्छी लगती है। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे इसको तकरीबन 2 मिनट हम और पका लेंगे हल्की आंच पे। इसका मैंने लिड लगा दिया था बिकॉज होता क्या है कि पालक में गलना है इसमें, तो आपको मजे की लगेगी अगर पालक का पानी खत्म हो जाएगा, जूस रहना चाहिए लेकिन बहुत पालक में कड़वाहट होती है, कड़वाहट होती है वो चली जाएगी पकने के बाद। पकने के बाद एब्सोल्युटली चली जाएगी। अच्छा साथ में झटपट हम सहरी में पियेंगे क्या? सहरी में पीने के लिए एक बहुत अच्छी चीज जो हम हमेशा बोल रहे होते हैं अनुषे के, दही का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, ठीक है? लाइट हो। एक लस्सी हम बनाएंगे और वो लस्सी बनाएंगे दही और चेरी की, यानी चेरी लस्सी हम बनाएंगे। चेरी लस्सी मतलब ये तो सहरी के अलावा इफ्तारी में भी हम पी सकते हैं, इफ्तारी भी पी सकते हैं एब्सोल्युटली। और अगर बीच में अगर बच्चों के रोजे नहीं है, गर्मी वर्मी लगी तो ऐसे भी पीना चाहिए, बिल्कुल पीना चाहिए। अच्छा यहाँ पे 4 खाने के चमचे दही मैंने इसमें ऐड कर दिया, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। अगर आप इसमें ब्राउन शुगर ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल हम ब्राउन शुगर ऐड करेंगे, हम 100% करेंगे क्योंकि शुगर के बगैर भी पी सकते हैं बाय द वे। अगर आपका टेस्ट बड डेवलप हुआ हुआ है, मेरा और अनुषे का तो हुआ हुआ है, मिस्टर शरीफ का मेरा भी हुआ हुआ है और मिस्टर शरीफ का मैंने करना है। चलिए सही है, फिर आपको वो बना के पिलाएंगे। हेल्थ कॉन्शियस है लेकिन आई डोंट नो कि वो दही के साथ उनको चीनी के बगैर। चीनी हां सही है, ठीक है ठीक है। हमारी चेरी सो गई, लड़कियों को तो जरा खट्टा खट्टा पसंद होता है ना। अभी मैं इसमें दूध ऐड नहीं कर रही, अभी कंसिस्टेंसी का चेक करें दूध ऐड करें। अच्छा लस्सी है और शदीद गर्मियां हैं तो इसलिए लाजमी है कि ये थोड़ी पतली हो। बिल्कुल सही, पतली होगी तो पीने का मजा आएगा। तो इसमें आपने नॉर्मल दूध डाला है? बिल्कुल नॉर्मल स्किम मिल्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये तो मतलब मेरा ख्याल में अगर बिल्कुल अच्छा मैं अगर इसको इफ्तारी में रखूंगी ना और मेरे इन-लॉज आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी गैस करें कि ये है क्या, फालते का शरबत है कि स्ट्रॉबेरी का शेक है कि क्या है। ट्रिविया करने के साथ ही कुछ शो भी शुरू कर देते हैं, शो कर दूंगे। और साथ साथ ये जो हमारा ऑमलेट है ये हो चुका है बिल्कुल तैयार। ऑमलेट को करेंगे सर्व विथ सम फिलिंग लग रहा है, ये है फिलिंग बिकॉज इसमें है चीज है इस तरह से। अच्छा मुझे तो ये लग रहा है कि ये इतना हेल्दी है ना कि मतलब सहरी में मैं और मिस्टर शरीफ जो है ना वो विदाउट ब्रेड भी इसको खा सकते हैं। इसको जरूरत नहीं ब्रेड, अगर रखकर आपने ब्रेड खाना ही है तो फिर सहरी का वक्त काफी अच्छा वक्त होता है। नहीं सहरी का वक्त इज द बेस्ट वक्त पराठे वगैरह की बजाय, और चक्की के आटे की रोटी भी एक बहुत अच्छी फिलिंग चीज होती है, काफी टाइम तक आपको भूख नहीं लगती। अच्छा भूख की तो बात है, कहते हैं लोग भूखे जरूर रह सकते हैं लेकिन प्यास को कंट्रोल में लाना वो लोगों के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है। सबको लगेगी लेकिन प्यास ही की वजह से आपको चक्कर आते हैं या अगर आपको लगता है आपको कमजोरी हो रही है तो शायद इतनी ज्यादा भूख की वजह से नहीं होता, प्यास की वजह से होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दही का डिफरेंट फॉर्म्स में आप इस्तेमाल जरूर करें। जैसे आज हमने ये लस्सी बना ली, किसी दिन हम नमकीन लस्सी दही की बना सकते हैं, किसी दिन हम बहुत ही पतली वाली मीठी लस्सी बना सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट हो सिवाय वाटरमेलन के उसके साथ मिक्स कर सकते हैं। कि आयशा इफ्तारी के बाद जो हम खाते पीते रहते हैं पूरी पूरी रात, तो खाने के बजाय अगर पानी पीते रहे पूरी पूरी रात तो आपका वो कोटा पूरा हो जाएगा जहाँ आपकी बॉडी एब्सोल्युटली हाइड्रेट नहीं करेगी। मैंने अक्सर देखा है कि रमजान में लोगों का वेट और बढ़ जाता है, उसका क्या रीजन होता है? पकोड़े, समोसे, जलेबियां, लाल शरबत, नीला शरबत, चीनी लेकिन लाल और नीला नहीं, पर्पल शरबत पीना चाहिए। अच्छा एक दो चंक्स मैंने इसमें अंदर ऐड कर दिए, ठीक है थोड़ा सा टेबल पे ले चले। हाँ टेबल पे ले चलते हैं, न्यूज़ फीड भी देखते हैं क्योंकि हम हाइड्रेटिंग अगर ड्रिंक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने आपके लिए एक न्यूज़ का एक पैकेजिंग कह सकते हैं उसको भी तैयार किया हुआ है, उसको भी नज़र डालें और आप लोगों को कुछ और आइडियाज मिले कि किस तरीके से अपने आपको हाइड्रेटेड रखना है और ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। हाइड्रेटेड फ्रूट्स क्या है, हाइड्रेटिंग फ्रूट्स वो हम आपको बताएंगे। तो बिल्कुल न्यूज़ फीड हमने बनाई है गर्मी में
ये आपकी फ्रूट जो है अगर आप सहरी में जरूर बताओ भाई कि मतलब सहरी का तो बता दिया, थोड़ा सा इफ्तारी का भी बता दो ना। बिल्कुल हाइड्रेटिंग फ्रूट्स हम बता रहे हैं जिससे बहुत ज्यादा जो है वो पानी हो, मॉइस्चर हो और उसकी वजह से गर्मी से आप बच सके, बिकॉज गर्मी में अनुष्य मसला बिल्कुल सही डिहाइड्रेट हो जाए। बिल्कुल सही है, डिहाइड्रेशन का बाकी में शिकार होंगे आप, लेकिन ऐसे बहुत सारे फल हैं जो आप ले सकते हैं जो आपको बहुत आसानी से पाकिस्तान में मिल भी जाएंगे। वाकई में आप उस वक्त आपको नोटिस नहीं करते, लेकिन फिर बाद में आपको ये एहसास होता है कि वाकई में आज मेरी प्यास थोड़ी कम है, आज मेरी स्किन बेहतर लग रही है, आज मुझे इतने चक्कर नहीं आ रहे हो, इसलिए क्योंकि आपने उन फलों का इस्तेमाल किया था ड्यूरिंग द डे। सही, तो जल्दी से इस न्यूज़ फीड पर नज़र डालते हैं, देखते हैं कि फल कौन सा ऐसा फल है जो मुझे मिस्टर शरीफ को खाने चाहिए, सबको खाने चाहिए। बिल्कुल, तरबूज एक बहुत बड़ी चीज़ है तरबूज का तो इस्तेमाल करना चाहिए बिकॉज वो इस सीजन में आता है। बेरीज, अच्छा अब ये देखिए अनुषे के इन बेरीज में से अभी सीजनल क्या है, देखिए रास्पबेरीज हर कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन जो चेरीज आज हमने इस्तेमाल किए हैं वो भी एक किस्म की बेरीज है, फालसों का इस्तेमाल करें, अगर स्ट्रॉबेरीज का सीजन है उसका आप इस्तेमाल कर लें, वरना जो फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज मिलती हैं अगर किसी का दिल चाह रहा है इस्तेमाल करने का वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रेप फ्रूट, अच्छा ये तो मेरे अब्बा बहुत ज्यादा लेते हैं, दिल के लिए भी अच्छा होता है और इतना इसका वाटर कंटेंट हाई होता है, लेकिन एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल आप जब भी करें, अगर बहुत ज्यादा करें डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरूर अपने डॉक्टर को ये बता दें अगर आप कोई ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रही है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनका रिएक्शन ज्यादा हो जाता है जब आप ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल, तो आपके डॉक्टर आपको वैसे भी इन्फॉर्म कर देंगे कि बेटा ग्रेप फ्रूट खास है। अच्छा ग्रेप फ्रूट तो हम अर्ली मॉर्निंग भी उसका जूस पी सकते हैं ना, बिल्कुल पी सकते हैं, पी सकते हैं ग्रेप्स, ये तो बड़ी अच्छी चीज होती है, लाल वाले भी मिलते हैं, लेकिन वो अभी मौसम नहीं है ना, आएगा जैसे जैसे जो जो मौसम आ रहा है, जब भी आप कहीं से गुजर रहे हो ये वो फल है जो आपको हाइड्रेटेड रखते हैं, जब भी मौसम हो जैसा भी हो, लेकिन ये वो फल है जो आइंदा के लिए बता दो ना अभी से, बहुत सारा क्या पता किसको कहाँ से मिल जाए, ये तो आने वाले हैं अभी थोड़े खट्टे मीठे टाइप के हैं, बहुत ज्यादा मीठे नहीं, आई लव मैंगो बट वो कहते हैं कि वो तो आपको और मोटा कर देते हैं, नहीं का तो चलता है भाई, है ना कि इत्तेदाल पे हमारा हाथ नहीं रुकता, हाँ ये प्रॉब्लम है एब्सोल्युटली। अच्छा मैंगोस खाने से बहुत आप कोई मोटे नहीं होते, बिकॉज उसमें जो शुगर कंटेंट है वो बाकी चीजों पे आप कंट्रोल कर लें, और मैंगोस की जगह इस्तेमाल करें, अनानास पाइनएप्पल पे आ जाते हैं, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, अच्छा पाइनएप्पल के लिए मैं एक बात कहूंगी, लोग जो टिन वाले खाते हैं आई थिंक वो नहीं खाना चाहिए ना, डायरेक्ट टिन वाले अगर आप खा रहे हैं उसमें कमी खाए, हाँ कैन फ्रूट कम, इसलिए सिरप बहुत होता है यार जी उसमें, एक्चुअली मसला ये होता है कि उसमें जो शुगर आपको मिलती है वो फैटनिंग जरूर है, लेकिन अगर आपको फ्रेश पाइनएप्पल नहीं मिल सकता इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैन वाला कभी भी ना खाएं, उसका जो पानी होता है उसको आप चीनी की बजाय इस्तेमाल करें, यू नो उसका पानी वैसे बहुत ज्यादा शुगरी होता है, बहुत ज्यादा शुगरी होता है, तो शुगर की बजाय इस्तेमाल करें, फेवरेट है उसको काट के फ्रिज में रख के रोज खाते पीते हैं, और कहते हैं तो बीज भी संभाल लें तो उससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, और क्योंकि 80% खुद ही पानी है इसमें, तो फिर तुम लोगों को याद होगा ना मैंने भी भेजे थे तुम लोगों को, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, ठीक है जी, और इसी के साथ मेरे हाथ से, अच्छा सुनो अब ना ये तुम लोगों ने इतना अच्छा ऑमलेट बना के दिया ना, अब मैं घर जाके इसकी प्रैक्टिस करती हूँ ताकि फिर मिस्टर शरीफ आए तो मैं उनको खिला सकूँ ना, ठीक है ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अच्छा आयशा मैं ये बात कर रही थी कि